बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मायसेल्फ मोहम्मद अरसलान। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू है और फ्रेश है, इसको आज हम डिटेल में सीखेंगे और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हमने इसका कंसेप्ट भी सीखना है और आगे वाली जो एक्सरसाइज हैं उसमें भी ये हमारे काम आएगा। तो सबसे पहले हम अपना जो डेफिनेशन है टॉपिक की वो पढ़ते हैं और इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। तो डेफिनेशन ये है, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। रेडिकल्स और रेडिकेंट्स क्या होते हैं? मैथ्स के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि रेडिकल्स एक्सप्रेशन और रेडिकेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास अगर कोई एन एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है एंड ए इज़ अ रियल नंबर, ए आपके पास कोई रियल नंबर है, देन एनी रियल वैल्यू एक्स सच डैट एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ए। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ए, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड द एंथ रूट ऑफ ए। ये ए की एंथ रूट को शो करता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो जजर है उसको हम बोलते हैं स्क्वेयर रूट, ठीक है? तो ये वाला जो है ये हमारा कहलाता है एंथ रूट ऑफ ए, और इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ये है, एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ए और बाहर हम लिख देते हैं एन। ये इसकी कहलाती है रेडिकल फॉर्म, और एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई एन, ये इसकी कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी? ये हमारे पास दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यानी आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी रियल वैल्यू एक्स है, उसका आपने अगर ए की के लिए एंथ रूट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? उस ए की पावर अगर आप वन बाई एन ले लें, उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास एंथ रूट होगा ए का फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये वाली फॉर्म है इसको हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो सिंबल है इसका नाम रेडिकल है, यानी जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसके बाहर कोई भी नंबर होगा वो उसके एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर ये इसके बाहर कोई नंबर नहीं है तो स्क्वायर रूट सिंबल की वैल्यू आपके पास होती है वन बाय टू, और एन इज कॉल्ड द इंडेक्स, एन इसका इंडेक्स होगा। यानी यहाँ पे अगर बाहर थ्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो वन बाय थ्री बन जाएगी। जितना बाहर इंडेक्स होगा उतनी वन बाय थ्री पावर हम ले लिया करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड एन ए इज कॉल्ड द रेडिकल आर बेस, और यहाँ पे जो ए है यानी जिसकी पावर होगी वो हमारा रेडिकल होगा, उसको हम बेस भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं, जैसा कि आपके सामने ये देखें, ये एग्जाम्पल है आपके पास अंडर रूट एक्स थ्री, इसका मतलब है इसका इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा एक्स की रेज टू द पावर वन बाय थ्री, और ये है एक्स स्क्वेयर रेडिकेंट फाइव, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर की पावर वन बाय फाइव। बड़ा सिंपल है, जस्ट आपने क्या करना है कि रेडिकल के बाद जितना इंडेक्स होगा वो पावर वन बाय फाइव में चले वन वन बाय में चली जाएगी, वन के नीचे इनकी जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और ये लिखा हुआ है स्क्वेयर रूट फाइव तो इसका मतलब है फाइव की पावर वन बाय टू। अगर हाली स्क्वेयर रूट है, हाली रेडिकल है तो वो वन बाय टू में चला जाएगा, उसके बाहर कोई इंडेक्स होगा तो वो उसकी वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हैं। और ये जी की पावर टू बाय सेवन, इसको भी हम लिख सकते हैं जी टू होल की पावर वन बाय सेवन, और इट बिकम्स जी टू इंडेक्स सेवन। तो दिस इज कॉल्ड रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, आपके पास जो रेडिकल एक्सपेंशन है उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, एंड ईच एक्सपोनेंशियल इनटू एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन, और हमने जो एक्सपोनेंशियल में है उनको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, यानी यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन में हमने उनको लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास जो इसका
फर्स्ट पार्ट है इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें है -64 और ए रेडिकल 3। इसका मतलब है कि -64 इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1/3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई हमारे पास। डू नॉट सिंप्लीफाई, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट इसकी एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि इसमें पावर आपके पास नजर आ रही है, इसमें रेडिकल साइन नहीं है। तो रेडिकल साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे 2^3 और होल की पावर 1/5, यानी इसकी पावर को स्प्लिट कर लेंगे। तो 2^3 क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, इट इज 8। और ये अब जब रेडिकल साइन में जाएगा तो यहाँ पे हम इसको 5 के साथ लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब ये हम इसको पावर इसकी स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 2^3 इंटू 1/5, तो ये आएगा 2^3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये इसकी आ गई रेडिकल फॉर्म, ठीक हो गया। यानी जितनी 1 के नीचे जो भी नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट के बाहर आप लिख लेंगे तो वो आपकी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। तो जी अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे माइनस है तो 7^1/3 है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि या आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। यहाँ पे यहाँ से मूव करके आप चले जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से और इसी से यहाँ से मूव करके आप रेडिकल फॉर्म में मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो है जी विच स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल है। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करके हमने ये क्वेश्चन करना है। फर्स्ट है 5^1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो क्या 5^1/5 तो हमारे पास होता है 5 और इसकी पावर 1/5 की ये फॉर्म बनती है रेडिकल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 5 है, इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? फॉल्स होगी। सेकंड स्टेटमेंट देखें तो 2^2/3 इज इक्वल टू 3^√4। तो इसको ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कैसे कि आप 2^2/3 को 2^2 और होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो 2^2 क्या होता है? डेट इज़ 4। और यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है क्योंकि रेडिकल एक्सपोनेंशियल से हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज़ ट्रू। और 49^√ इज इक्वल टू 7^√। अब 49^√ का मतलब है कि 49 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 7 आता है वैसे, लेकिन ये स्क्वायर रूट 7 है तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। x^27^√3 इज इक्वल टू x^3, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसकी रीज़न है कि x^27 होल की पावर 1/3 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को तो ये आएगा 3^3 = 9, x^9, लेकिन यहाँ पे x^3 है तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रेडिकल्स और रेडिकेंट्स का कंसेप्ट, यानी हम किसी भी एक्सप्रेशन को रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट क्या है? सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने ये रेडिकल एक्सप्रेशन को अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब आपके पास इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट पार्ट है -125^3। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं -125^1/3 यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारे पास 125 है ये इक्वल होता है 5^3 और होल की पावर 1/3। तो हम यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 5^3 जो है जब ये पावर इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा -5^3 × 1/3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट -5। दिस इज योर आंसर, बहुत आसान है। इसी तरह से हम अपने रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में आपके पास है 3/32 होल की पावर 1/5, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। और अब हम इसको
पावर को स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग से, यानी 3 की पावर 1 बाय 5 अलग आएगा और 32 की पावर 1 बाय 5 अलग से आ जाएगा। बटे के अंदर पावर स्प्लिट हो जाती है। अब 32 की पावर 1 बाय 5 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1 बाय 5, क्योंकि 2 की पावर 5 जो है ये हमारे पास 32 होता है। अगेन हमारे पास ये पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 बाय 5 ओवर 2 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है -8/27 रेडिकल 3। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी 1/3, और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं -8 की पावर 1/3 ओवर 27 की पावर 1/3। तो हमें पता है कि 8 जो है ये इक्वल होता है 2 की पावर 3 के 1/3, और 27 जो है ये 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो दोनों केसेस के अंदर यहाँ से इसकी पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा -2/3 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये है मेथड सिंप्लीफाई करने का रेडिकल एक्सप्रेशन को यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी अगली वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।